फैमिली प्लानिंग की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में फैमिली के ऊपर बड़ी खूबसूरत फिल्म रिलीज हुई है, हम दो हमारे दो। 80 के दशक में टीवी पे एक स्लोगन आता था, हम दो हमारे दो, हमारे दो। लेकिन लोग मानते नहीं थे, लोगों का अपना ही स्लोगन चल रहा था कि जितने होते हैं होने दो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भला हो बुजुर्गों का, अगर उनको खांसी नहीं होती तो हमारी पॉपुलेशन अच्छी खांसी होती। समझ रहे हो आप? अर्चना जी, दुनिया में दो मुल्कों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। कौन सी? एक तो भारत की, दूसरी चाइना की। और चाइना की तो इतनी ज्यादा है, उनकी आर्मी ओवरफ्लो होकर हमारी कंट्री में गिरती रहती है। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। बोलते ना कि हमारा सबसे छोटा बेटा तो बड़ा ही शर्मीला है। वो शर्मीले का पता तब चलता है जब शादी के बाद उसके घर जाओ ना, उसके चार बच्चे रेलगाड़ी बना के दौड़ रहे होते हैं। अच्छा हुआ ये शर्मीला था, अगर ये रंगीला होता तो रेल के पीछे पेंट्री कार और गार्ड का डिब्बा भी भाग रहा होता। जिनके बच्चे दो होते ना, जब बचपन में हम देखते थे तो मौसी बुआ आती थी ना, तो दोनों बच्चों को 100 रुपए दे के जाती थी। जिसके आधा दर्जन हो जाते ना, फिर वो पैसे नहीं देती, वो एक दर्जन केले ला के दो दो बांट देती सब में। रशिया और जापान जैसी कंट्रीज में लोग नहीं बच्चे पैदा कर रहे, गवर्नमेंट उनको उत्साहित कर रही है कि आप लोग, आप बच्चे पैदा करो, आप हमसे पैसे लो। ये स्कीम इंडिया में तो लागू हो सकती, गवर्नमेंट कर्जे में आ जाएगी। तो एंजॉय करने के पैसे मिल रहे, वो काम क्यों करेगा? घर की जरूरतों के लिए बच्चे पैदा करने शुरू कर देंगे। भाई मैं सोच रहा हूँ ऊपर एक कमरा ना बनवा ले, बीवी कहेगी हायर बाप भी ना। अब एक बच्चा हुआ, कमरा बनवा लिया, दूसरी बार में बीवी कह रही है कमरा तो बनवा लिया, एसी नहीं लगवाना है क्या? भाई ये जो मेरा सबसे बड़ा बेटा है, ये तो हुआ था ऊपर वाली छत डलवाने के चक्कर में। ये जो तीसरा वाला है, ये हमने स्कूटर लेना था, तीन बच्चे हो गए, उसका चौथा फिर हो गया। किसने पूछा चौथा किस लिए हुआ? भाई स्कूटर लिया है, तेल भी तो डलवाना नहीं। ये बढ़िया था गुरु। पांचवा हो गया, कहते हैं जी पांचवा किस चक्कर में? अब सारे बच्चे जरूरतों के लिए थोड़ी पैदा करने, बीवी से भी प्यार करते हैं हम। आजकल जॉइंट फैमिली जो है न्यूक्लियर फैमिली बन गई है, बच्चे को फॉरवर्ड करते नहीं है, वो बच्चे की फोटो को फॉरवर्ड करते रहते हैं। आगे रिश्तेदार भी दाइयां ऐसे देते हैं इमोजी स्टाइल में, किसने हार्ट भेज दिया, किसने किसी भेज दी, इमोजी उनको सारे याद हो जाते हैं। फिर उनको बताना पड़ता है, बेटा ये हार्ट वाली बुआ, ये अर्चना जी, ये बोतल वाले ताऊ जी दो बियर, ये वाले, और ये एक आंख मारने वाले चाचा जी, नमस्ते करो इनको। कैसा लगा मेरा मजाक? हुआ जो लिखता हर बात पे मिलूंगा मैं, मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में उस रात में मौजूद था जो तेरा है वजूद, बेटे नाचते हैं तेरे जैसे लड़के मेरी।